ये महाविद्यालय में अभी दो नवीन कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है जी। और ये जो अपनी मथुरा रिफाइनरी है IOCL, ये उसके सौजन्य से, उसके CSR फंड से हम लोग करा रहे हैं। महाविद्यालय में लैब की स्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो अभी ये दो नवीन लैब बन रही हैं, जिसमें जो साइंस के विद्यार्थी हैं जिनके प्रयोग में हमें थोड़े प्रयोग कराने में परेशानी हो रही थी, तो वो समस्या हमारी दूर हो जाएगी। ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये पुरानी बिल्डिंग को शीघ्र ही हमें डिमोलिश कराना है, इसके ऑर्डर्स हो चुके हैं, और शीघ्र ही यहाँ पर भी इसी तरह से कक्षों का निर्माण कराया जाएगा, तो ये योजना अभी हम लोगों की चल रही है। सर बताएं, कॉलेज में जो विकास कार्य चल रहे हैं वो किस हद तक पूरे हो चुके हैं और क्या क्या निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं? देखिए, किशोरी रमन कॉलेज मथुरा शहर का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, किंतु यहाँ चुनौतियाँ बहुत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं, साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ जो इस समय चल रही हैं उनकी भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। इन सबके बीच में महाविद्यालय का विकास कार्य भी कराया जा रहा है। अभी IOCL के सौजन्य से अभी दो कक्षों का निर्माण का कार्य यहाँ पर चल रहा है, आपने देखा भी होगा। अभी शीघ्र ही हमारे जो मथुरा वृंदावन के विधायक हैं श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, उनके सहयोग से, उनकी विधायक निधि से शीघ्र ही उत्तर दिशा में जो हमारी पूरी बाउंड्री वॉल है जो जर्जर हो चुकी थी, उसको, उसका नवीनीकरण कराया जा रहा है। एक भव्य गेट का निर्माण भी वहाँ प्रस्तावित है। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो कक्ष थे, एक कक्ष संख्या 1 से 8, उनके आगे का वरांडा भी थोड़ा खराब स्थिति में था, उसको भी DM साहब के सहयोग से उसका भी पुनरुद्धार कराया जा रहा है। उसको हटा करके RCC का पूरा एक नवीन जो वरांडा है उसका निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारा पुराना साइकिल स्टैंड था, उसकी जो कक्ष था वो भी बहुत खराब स्थिति में था, उसको वहां से नवीनीकरण करा करके, उसका पुनरुद्धार करा करके दो नए कक्ष वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से महाविद्यालय में लगातार विकास का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही हम एक बदले हुए महाविद्यालय को देखेंगे।